हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आई हूँ मैं आपके लिए। सेट डी का अभ्यास 3 है, इस तरह के सेट 16 से 17 है, सभी सेट में 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार 6-7-8 हज़ार क्वेश्चंस है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जितने भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ा है उसका आप यहाँ पे टेस्ट कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए कितना आप सही कर पाते हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेट हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस हो, सभी की मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन और डेली बेसिस में प्रैक्टिस जो करा रही हूँ, ये सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। वीडियो पूरा देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, क्रायोथेरेपी का अर्थ है, क्रायोथेरेपी का अर्थ है शीत चिकित्सा यानी बर्फ चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा को हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हर वीडियो में रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि भंग यानी बोन फ्रैक्चर का अर्थ है अस्थि का टूट जाना, क्या अर्थ है अस्थि का टूट जाना। नेक्स्ट है, खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पुनर्वास यानी कि जो चोट लगने के बाद पुनः पहले वाली स्थिति में आना ही रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास कहलाता है। इसके लिए 3 विधि का प्रयोग किया जाता है, एक करेक्टिव एक्सरसाइज यानी सुधारात्मक व्यायाम, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण यानी उसको उत्साह बढ़ाया जाता है, तीसरा चिकित्सा विधि। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई चीज देखे तभी आपका वहां करेक्ट होगा और सभी ऑप्शन को आप फॉल्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सुधारात्मक व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज, तो यहाँ पे करेक्टिव एक्सरसाइज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर्टलेक प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है। तो फॉर्टलेक प्रशिक्षण का दूसरा नाम स्पीड प्ले है, ये स्वीडिश शब्द है। नेक्स्ट है, लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी विकसित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्लो स्ट्रेचिंग तथा होल्डिंग पद्धति, स्लो स्ट्रेचिंग, बैलेस्टिक मेथड सभी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने की विधियां हैं, बट यहाँ पे सबसे प्रभावी विधि पूछा है तो आपका हो जाएगा स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग पद्धति, यानी कि पेशियों को कुछ समय तक स्ट्रेच करके उसको कुछ समय तक होल्ड यानी रोके रखेंगे, इस फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की सबसे बेस्ट विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ट्रेनिंग से विकसित की जा सकती है, सर्किट ट्रेनिंग ये इंड्योरेंस का भाग है, इससे स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप होता है, शक्ति सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोच हो तब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी एथलेटिक्स प्रकार की चोटें हैं, मोच, स्प्रेन, स्ट्रेन, इन सभी चोटों के लिए सबसे पहले बर्फ की चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा, क्रायोथेरेपी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब पेशी खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए। तो यहां भी आपका इसी तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या होगा, बर्फ का प्रयोग, पेशी खिंचाव हो तो किसका प्रयोग होगा, बर्फ का प्रयोग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, यहाँ पे कैफीन प्रतिबंधित पदार्थ है, निकोटीन है, एनाबोलिक स्टेरॉइड भी है, कैनाबिनॉइड्स जो है वो प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में नहीं आता है। कैनाबिनॉइड्स है क्या, भारत में लगने वाले भांग के पौधे से तैयार किया जाता है, इसमें मैराजुआना यानी गांजा, हशीश यानी भांग आता है, यह चबाकर या धुएं द्वारा लिया जाता है, यह मनोसक्रिय मन को सक्रिय करने वाला एजेंट्स है, जिसमें शिथिलता की अनुभूति होती है, आलस आता है। नेक्स्ट है, इंटरवल ट्रेनिंग क्या विकसित करने की एक प्रभावशाली पद्धति है। इंटरवल ट्रेनिंग अंतराल प्रशिक्षण ये सहनशीलता का भाग है, इस सहनशीलता या इंड्योरेंस को डेवलप करने की 4 विधियां हैं, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड रिपीटेशन मेथड एंड कंपटीशन मेथड, ये चारों दिख जाए तो आप सहनशीलता ही उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे सहनशीलता यानी इंड्योरेंस आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट सर्किट ट्रेनिंग से विकसित होती है। तो दोस्तों सर्किट ट्रेनिंग किसका भाग है? शक्ति का भाग है, इससे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो यहां पे आपका एंड्योरेंस ना होकर के स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ जुड़ा हुआ है शक्ति आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट खेल में त्वचा की चोटों के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो त्वचा की चोट यानी त्वचा जैसे कि रुखरे सतह पर गिर जाना या रगड़ हो जाना, त्वचा की ऊपरी परत छिल जाना, रेड हो जाना यानी लाल पड़ जाना, इसी को कहते हैं एवरेजन, यानी त्वचा की चोट को हम एवरेजन कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वी अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस गुजरता है। तो दोस्तों वर्टिकल एक्सिस जो होता है वह जमीन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड गुजरता है, यानी जमीन के ऐसे, ये आपका क्या है? वर्टिकल एक्सिस है। नेक्स्ट है किस प्रकार के लीवर में भार बल और आधार के बीच में होता है? जैसे कि मैंने इसके बारे में कई बार ट्रिक बताया है, क्या एफ ए आर यानी 312, यानी कि आर यानी रेसिस्टेंस यानी भार किस लीवर के अंतर्गत आएगा? वहां आपका बीच में होगा रेसिस्टेंस यानी कि द्वितीय प्रकार के, यानी प्रथम प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में रहेगा फोर्स और रेसिस्टेंस के, द्वितीय प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में रहेगा फोर्स और एक्सिस के, तृतीय प्रकार के लीवर में फोर्स यानी बल बीच में रहेगा एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के। तो यहां पे क्या पूछा है कि भार जो है यानी रेसिस्टेंस जो है बल और आधार यानी कि फोर्स और एक्सिस के बीच में होगा, कौन सा लीवर होगा? वो होगा आपका टाइप टू यानी सेकेंड प्रकार का लीवर यानी उत्तोलक आपका यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स की वह शाखा जो बलों के द्वारा वर्णित होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स और जैव यांत्रिकी विज्ञान, इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काइनेटिक्स बल का अध्ययन किया जाता है एंड काइनेमेटिक्स में शुद्ध गति विज्ञान है, और जैव यांत्रिकी विज्ञान हमारे शरीर के अंगों की गति और जो उपकरण है उनका कैसे प्रयोग करना है उसका अध्ययन किया जाता है, और किनेसियोलॉजी में गति का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं। तो न्यूटन ने तीन नियम दिया था, जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम जिसे मोमेंट लावा मोमेंट या त्वरण का नियम भी कहते हैं, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो द्वितीय नियम कौन हो जाएगा? मोमेंटम का नियम। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के लीवर में बल भार और आधार के बीच में होता है? तो दोस्तों बल यानी फोर्स जो है बीच में एक्सिस और रेसिस्टेंस के बीच होता है फोर्स, तो कौन सा लीवर होता है? टाइप थ्री, ठीक है, तीसरे प्रकार का उत्तोलक होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता यानी इफिशियंसी, फिजिकल इफिशियंसी का घटक कंपोनेंट्स है। तो फिजिकल फिटनेस का यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी स्पीड कोऑर्डिनेशन बॉडी कंपोजिशन कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, ये सभी है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है? गति सहनशीलता शक्ति, ये सभी आपके फिजिकल फिटनेस के घटक हैं। नेक्स्ट है तीव्र अंतराल प्रशिक्षण रैपिड इंटरवल ट्रेनिंग विकसित करता है। तो यह क्या विकसित करता है? गति सहनशीलता। इंटरवल ट्रेनिंग से क्या विकसित होता है? गति सहनशीलता। नेक्स्ट है थकान के विरुद्ध रेसिस्टेंस क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों जहां पे थकान शब्द आ जाए वहां पे आप हमेशा एंड्योरेंस को टिक कीजिएगा, थकान शब्द आते ही। तो थकान के विरुद्ध रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? शक्ति सहनशीलता होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ओनली सहनशीलता दिया है, यहाँ पे आपका सहनशीलता आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कौन होती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपका आंसर दिया है ट्राइसेप्स सूरी, जबकि दोस्तों शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है मसेटर मसल्स, हमारे निचले जबड़े की मसल्स, और हड्डियों में भी सबसे मजबूत हड्डी होती है
मैंडिबल जो हमारे निचला जबड़ा की हड्डी होती है। नेक्स्ट है बारंबारता पद्धति यानी फ्रीक्वेंसी मेथड में क्या होता है। व्यायाम की तीव्रता बहुत अधिक होती है, व्यायाम की मात्रा कम होती है। तो बारंबारता पद्धति में क्या होगा, बार बार जब आप रिपीट कर रहे हैं तो व्यायाम की जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, स्पीड होगी वो बहुत अधिक होगी, व्यायाम की जो मात्रा होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 22 का ग, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक स्थूलता यानी बॉडी मास की सहायता से मापी जाती है। तो बॉडी मास किससे मापा जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर। किससे मापा जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर से। नेक्स्ट है निम्न में से मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड की एक चोट कौन सी है। तो दोस्तों यहां पे स्लीप डिस्क जो है ये मेरुदंड की चोट है, स्पाइनल कॉर्ड की चोट है। नेक्स्ट है एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा में होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड परीक्षा में दोस्तों रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड ये 5 चीजें होना चाहिए। तो यहां पे क्या दिया है, केवल वस्तुनिष्ठता, नो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता वैधता और विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता, ये तीनों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलों में चोटों की खोज, उपचार व पुनर्वास से संबंधित विज्ञान है। तो इसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी खेल चिकित्सा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है खेल चोटों के उपचार में निम्न सामान्य हाइड्रोथेरेपी उपकरण प्रयोग होता है। तो हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत वर्लपूल बाथ, एमरेशन बाथ, हाइड्रोक्लोट्रोफेक, जाकुजिया बाथ आदि का प्रयोग होता है। तो यहां पे आपका वर्लपूल बाथ सही हो जाएगा। डायथर्मी आपका विद्युत चिकित्सा से संबंधित है। हार्ट पैक आपका वैक्स बाथ मोम चिकित्सा से रिलेटेड है। नेक्स्ट लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों लचीलेपन के पन के प्रशिक्षण के लिए जैसे कि आपका यहाँ पेस रेस और गतिवर्धन दौड़ जो है ये स्पीड को डेवलप करने की विधि है। प्लायोमेट्रिक जो है वो विस्फोटक क्षमता को डेवलप करने की विधि है। एंड जो बैलिस्टिक विधि है ये आपको लचीलेपन यानी फ्लेक्सीबिलिटी के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एक अच्छी संधि का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों एक अक्ष में गति कौन करता है, यहां पे जो है सैडल ज्वाइंट परस्पर आदान प्रदान करने वाली गतियां हैं यानी कि अंगूठा हमारे सभी उंगलियों के पास चला जाता है उसको हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। कार्डिलाइड सैडल दोनों ये भी नहीं है, कार्डिलाइड भी नहीं है। जो हिंज ज्वाइंट है, कब्जा संधि है, ये जो है एक अक्ष में यूनिएक्सियल गति करती है। जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है उसी तरह यह भी एक तरफ घूमता है। जैसे हमारा नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़े का खुलना बंद होना ये आपका होता है हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि। नेक्स्ट बल का सूत्र होता है। तो बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम गुणे ए यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो गति विज्ञान यानी किन्सियोलॉजी के पिता कहे जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट 1958 में कितने आइटम्स होते थे। तो लुसीन ब्रुहान 1958 में ऑक्सफोर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट बनाया जिसमें 7 आइटम्स थे। उसके बाद 1976 में पुनः इसमें संशोधन करके 6 आइटम यानी जो मेडिसिन बाल थ्रो था उसको हटा दिया गया, 6 आइटम रखा गया। अब वर्तमान में 6 आइटम है। ऑक्सफोर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ऑक्सफोर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के वीडियो को देख सकते हैं जो आपके टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट लोच यानी फ्लेक्सीबिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सीबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सीबिलिटी स्वयं के द्वारा किया जाता है,
कोणीय वृद्धि एंड फेसी फ्लेक्सिबिलिटी किसी साथी की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका काइनेसिस शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों हमारा जो किनेसियोलॉजी होता है किनेसिस प्लस लॉगोस, लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो काइनेसिस शब्द का अर्थ होता है गति। नेक्स्ट है एग्रोग्राफ मापता है, दोस्तों एग्रोग्राफ जो है पेशीय शक्ति को मेजर करता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो दोस्तों विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, प्रत्यारोपण, डिलीजेशन, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये तीनों आपके संगठन का सिद्धांत है, बट आपका अतिव्यापन ओवरलैपिंग आपका संगठन का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में 5 मिनट के लिए विषय पूरा किया जाता है, यदि उसके कुल पल्स काउंट 250 थे तो उसकी योग्यता इंडेक्स होगी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है हार्वर्ड स्टेट टेस्ट में ज्ञात करने का फिजिकल फिटनेस इंडेक्स कि एक्सरसाइज इन ड्यूरेशन इन सेकेंड गुणे 100 अपान 2 गुणे पल्स काउंट। तो यहां पे एक्सरसाइज कितने मिनट होता है, 5 मिनट, 5 मिनट को आप सेकेंड में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेकेंड, और 300 सेकेंड को आप 100 से गुणा करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यहां पे आपको दिया है 250, पल्स काउंट कितना आया है कुल 250 गुणे 2 कर देंगे तो 500, यानी 30,000 में आपका आप 500 का भाग देंगे तो आएगा कितना 60, तो कितना पल्स काउंट आएगा, उसकी योग्यता इंडेक्स कितना होगी 60 होगी, कितना होगी 60 होगी। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं सूत्र के अनुसार। नेक्स्ट है वह कौन सा सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है जो कहता है कि स्टेट ट्रैट एंजाइटी कॉग्निटिव एंड सम्मेटिव कारक होते हैं, तो यह कौन सा सिद्धांत कहता है मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी, कौन मल्टी डायमेंशनल एंजाइटी थ्योरी यह बात कहता है। नेक्स्ट है भूमि घर्षण यानी लैंड फ्रिक्शन निर्भर करता है, तो दोस्तों भूमि घर्षण, घर्षण के लिए दो वस्तु, एक वस्तु आवश्यक होती है, एक सतह आवश्यक होता है, दोनों पर रगड़ होगा एक दूसरे के बीच में, तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धरातल के स्वरूप और पदार्थ की स्वरूप पर, दोनों पर निर्भर करेगी भूमि घर्षण। चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है और रुखरी सतह पर घर्षण ज्यादा होता है, जैसे कि आपने कभी चिकनी सतह पर पैर पड़ता है या केले के छिलके पर पैर पड़ता है तो आप फिसल के गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट है मात्रा और भार किस द्रव के दो आयाम हैं, इनमें से, तो यहां पे है मात्रा निश्चित होती है बट भार परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है कि इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन परिवर्तित करना और शरीर में ऊर्जा बनाना, इसका काम होता है, जब इंसुलिन कम बनता है तो ये सब प्रक्रियाएं नहीं हो पाती हैं और यह इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज यानी कि जो स्टार्च होता है रक्त में मात्रा उसकी ज्यादा हो जाती है, जिससे हम डायबिटीज कहते हैं, इसको हाइपरग्लाइसीमिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई है, तो जो कंकाल पेशियां होती हैं उसके संकुचनशील इकाई होती है सार्कोमियर, क्या होती है सार्कोमियर। नेक्स्ट शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है, तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्या है आधुनिक संकल्पना शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का मुख्य कार्य
आयोजन है उसमें है, उसमें क्या है, इसमें आपका हो जाएगा ध्येय निर्धारण तथा लक्ष्य कथन, गोल सेटिंग एंड गुड स्टेटमेंट। किसी भी मैनेजमेंट या प्रबंधक का मुख्य कार्य आयोजन है, ध्येय निर्धारण, लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य का कथन, गुड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम शक्ति यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है, तो यहां भी आपका आंसर हो जाएगा ख, क्या हो जाएगा, ख, एक और तीन। यानी कि अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा क्या होगा, एक और तीन, यानी कि भार का अधिक होना और विश्राम मध्यांतर का अधिक होना, इससे आप अपने अधिकतम शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु धारिता एयर कैपेसिटी निर्भर करती है, तो एयर कैपेसिटी किस पे निर्भर करती है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एक और चार, एक और चार। यानी कि एरियोलर आकार, यानी जो एलवेलाई की आकार होती है जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है, उसका आकार जितना ही अच्छा होगा वायु धारिता, वहां उतना ही कैपेसिटी उसकी अच्छी होगी बाहर करने की। एंड आपका हो जाएगा इंटरकॉस्टल मांसपेशियों की ताकत, इंटरकॉस्टल मसल्स जो होता है, डायफ्राम पेशी जो होता है उसके, वो इंटरकॉस्टल मसल से बनी होती है। जब इंटरकॉस्टल मसल्स फैलता है तो हमारा जो फेफड़ा होता है वह नीचे चला आता है और उसका आकार बढ़ जाता है और वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है, यानी हम सांस ग्रहण करते हैं। और जब इंटरकॉस्टल मसल्स संकुचन होता है, सिकुड़ता है, तो डायफ्राम जो फेफड़ा होता है ऊपर चला जाता है और फेफड़े में संकुचन होता है, आकार कम होता है, उसकी दबाव ज्यादा हो जाती है जिससे वायु बाहर निकलती है, यानी हम श्वास छोड़ते हैं। तो इस प्रकार वेल्यूरल आकार और इंटरकॉस्टल मांसपेशी की ताकत यहां पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो दोस्तों, मानव शरीर की अस्थियों को परिणाम और आकार के आधार पर पांच भागों में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन एंड इरेगुलर बोन एंड सिसमोइड बोन, इस प्रकार के पांच भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट, सही उत्तर बताइए, इसमें आपका ऑप्शन है कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक बल है, कार्यमान हेतु घर्षण धनात्मक बल है, कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक एवं धनात्मक बल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्यमान होते जो घर्षण होता है ऋणात्मक और धनात्मक बल होता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ प्रारंभ हुआ? तो चेन्नई में, मद्रास में आपका प्रारंभ हुआ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1920 में HC बक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल प्रशिक्षण यानी कि अंतराल प्रशिक्षण भार आधारित होता है। तो दोस्तों, जो हमारा इंटरवल प्रशिक्षण होता है उसमें, इंटरवल जो प्रशिक्षण होता है उसमें हृदय गति एंड लैक्टिक एसिड संकेंद्र प्रवाह निर्भर करता है, हृदय गति और लैक्टिक एसिड संकेंद्र प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर घ यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो हृदय गति, जैसा कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, अधूरी क्षतिपूर्ति, रिकवरी आपका अधूरी रखा जाता है। जैसे कि आपका उच्च तीव्रता के साथ क्रिया की जाती है, 180 तक हार्ट रेट जो ही 180 तक पहुंचता है, क्रिया को रोक दिया जाता है।
उसके बाद अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूरा रिकवरी नहीं दिया जाता है। जो ही आपका हार्ट रेट 120 से 140 के बीच आता है, तुरंत पुनः क्रिया को प्रारंभ कर दिया जाता है। तो हृदय गति और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण, जैसे ही लैक्टिक एसिड आपका 180 पर चरम सीमा पहुंच जाएगा, जो ही कुछ देर आप रेस्ट करेंगे, आपका 120 से 140 तक हार्ट रेट पहुंच जाएगा, थोड़ा बहुत आप पुनः ऊर्जावान हो जाएंगे, तुरंत फिर स्टार्ट कर दिया जाता है। यानी हृदय गति और लैक्टिक एसिड संकेंद्रण पर निर्भर भार आधारित होता है इंटरवल प्रशिक्षण का। तो दोस्तों, ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी यूजुअल थे दोस्तों, एंड आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।